संदेहं श्री गुरु। हरे कृष्णा। सचिनंदन महाराज ये पुस्तक लिविंग नेम में अगला विषय समझाते हैं, द बेगर ऑफ द माइंड। कैसे मन एक भिक्षुक की तरह है और कैसे हमको ये मन से भगवान के प्रति जो प्रेम है उसकी भीख मांगनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, खासकर उनके अंत्य लीला में, भगवान शाम के समय विद्यापति, चंडीदास, जयदेव गोस्वामी के प्रार्थनाओं को सुनते थे और बहुत भाव से ये प्रार्थनाओं को सुनते थे और उनका जो प्रेम है भगवान को अर्पण करते थे। क्योंकि इन प्रार्थनाओं में वृंदावन के जो सदस्य हैं, व्रजवासियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कैसे जब हम हरिनाम करते हैं, हमारा हृदय भावना से भर के, हृदय खोल के भगवान को पुकारना चाहिए। तो महाराज यहाँ पे लिखते हैं, हम सबके हृदय में वृत्ति से है। वृत्ति ये संस्कृत शब्द है। वृत्ति का मतलब है इच्छाएं या थॉट्स, विचार। तो ये बद्ध अवस्था में जब हृदय शुद्ध नहीं होता, ये जो वृत्ति है इंद्रिय भोग की ओर भागते हैं। और हम सबको ये अनुभव है कि ये हमारे जो इच्छाएं हैं इंद्रिय भोग की ओर भागते हैं। पर जब हृदय शुद्ध होता है, व्यक्ति का जो वृत्ति है, स्वभाव है, वो कृष्ण की ओर भागता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक तुलना देते हैं एक भिक्षुक का। एक भिक्षुक अपना घर छोड़ के धन प्राप्त करने के लिए बाहर जाता है। तो ये तुलना चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, हम सब एक भिक्षुक की तरह हैं और ये दुनिया में हम सब प्रेम ढूंढ रहे हैं। पर एक्चुअल सही प्रेम है जब हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा और ये प्रेम वृंदावन में मिलता है। तो यहाँ ये तुलना में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं योगी ऑफ द माइंड। उनका जो मन है योगी की तरह है। और जो योगी है, पहला जो वैराग्य का वस्त्र पहनता है, तो वैसे ही हमारे मन को हमको एक वैराग्य का वस्त्र पहनना है। ये जो धोती है जो योगी पहन रहा है उसका तुलना है द क्विल्ट ऑफ एंग्जाइटी। इसका मतलब है जो तड़प है कृष्ण के लिए वो हमारा वस्त्र है। एंड देन ये योगी के मुख से ओ कृष्णा, हे कृष्ण, कृष्ण का नाम आ रहा है, कृष्ण की ओर भाग रहा है भिक्षा मांगने के लिए। और ये योगी जो है उसके सर पे एक पगड़ी है और ये पगड़ी की तुलना हो रही है लोभ से। तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो हमको लोभी बनना है कृष्ण के लिए। और उसके पास बैंगल्स हैं उसके हाथ में और ये बैंगल्स की तुलना हो रही है डिस्ट्रेस, तड़प। कृष्ण के लिए एक तड़प होता है। और ये जो भिक्षुक है, ये जो योगी है, कंटिन्यूअसली ये कृष्ण प्रेम, ये जो धन है प्राप्त करने के लिए, कंटिन्यूअसली अलग अलग कविता पढ़ता है, अलग अलग लीला सुनता है वृंदावन का, कृष्ण के वृंदावन लीला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ये जो भिक्षुक है उसको समझ में आता है कि मेरे घर में धन नहीं है। तो हम सब ये भिक्षुक की तरह है और हम सबको लग रहा है कि ये जो शरीर है, जो हमारा घर है, ये हमको आनंद देगा, इट विल गिव अस हैप्पीनेस। पर जब हमको ये समझ में आता है ये शरीर हमको सही धन नहीं देगा, तब हम ये शरीर रूपी घर को छोड़ेंगे, इसके प्रति आसक्ति छोड़ेंगे और अपने 10 इंद्रियों के साथ, तो यहाँ पे ये 10 इंद्रिया ये योगी के शिष्य हैं, हमारे 10 इंद्रियों के साथ हम भिक्षुक के रूप में जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, अगर हमको कृष्ण प्रेम, ये जो धन है प्राप्त करना है, तो पहला समझना है किसके पास ये धन है, हु हैज दिस वेल्थ, किसके पास कृष्ण प्रेम का धन है। जब शास्त्र पढ़ते हैं, वृंदावन की लीला पढ़ते हैं, हमको समझ में आता है ये जो धन है ब्रजवासियों के पास है, खासकर गोपियों के पास है। तो ये जो योगी है अपना घर छोड़ के, अपना शरीर रूपी जो आसक्ति है वो छोड़ के गोपियों के पास जाता है और गोपियों से भीख मांगता है सही धन का, कृष्ण प्रेम के धन का। और ये जो गोपियां हैं, क्योंकि उनका हृदय बहुत कोमल है, वो फाइनली ये योगी को कृष्ण प्रेम का धन देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये तुलना दे रहे हैं कि कैसे हम सबको ये भिक्षुक बनना है। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज, जिन्होंने भुवनेश्वर में मंदिर शुरू किया था, तो वो बोलते थे ये जो इस्कॉन भुवनेश्वर है,
ये क्राइंग स्कूल है। श्रीला प्रभुपाद ने एक पाठशाला शुरू किया है इस्कॉन रूपी, ये पाठशाला में कैसे रोना है वो हम सिखा रहे हैं। तो हम हरिनाम करते हैं ये भिक्षुक के भाव में होना चाहिए, हमको भगवान के लिए रोना है। और हम सब जानते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, उनको बहुत बार कृष्ण का दर्शन होता था, चतक पर्वत में अलग अलग जगह पे वो कृष्ण को देखते थे, और हमेशा विप्रलंबक के भाव में कृष्ण का दर्शन होता था, कृष्ण का दर्शन समाप्त होता था। तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु पागल की तरह विरह के भाव में रहते थे। और जगन्नाथपुरी में उनका छोटा सा कमरा था, गंभीरा, वो कमरा अभी भी है, वेरी स्मॉल रूम, बहुत छोटा रूम है। और रात भर चैतन्य महाप्रभु को नींद नहीं आता, रात भर कृष्ण के लिए रोते थे। जैसे गोपियां, वो सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, हमेशा कृष्ण का स्मरण। तो वही भाव में चैतन्य महाप्रभु ये गंभीरा उनका जो कमरा है उसमें रात भर कृष्ण के लिए रोते थे, राधा रानी के लिए भाव में। और बहुत बार इतने पागल होते थे, अपना जो सर है गंभीरा के जो रूम है जो दीवार पे सर को फोड़ते थे, बहुत बार खून निकलता था, बहुत बार अपने गाल को दीवार पे घसीटते थे, और बहुत बार उनका जो रूम है कमरा है गंभीरा उसको छोड़ के भाग जाते थे रात के समय। और भक्तों को बहुत एंग्जाइटी होता था, कहाँ चले गए चैतन्य महाप्रभु, उनको ढूंढ के लाते थे। तो फाइनली भक्तों ने एक अरेंजमेंट किया, उन्होंने एक भक्त को अपॉइंट किया जिसका नाम था शंकर। उसका ये सेवा था रात में चैतन्य महाप्रभु के साथ वो छोटे से कमरे में सोना है, और चैतन्य महाप्रभु उनका पैर शंकर के शरीर के ऊपर उनका पैर रखते थे और सो जाते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु चले गए या वो उनका मूवमेंट होता था, शंकर को समझ में आता था कि भगवान कुछ कार्य कर रहे हैं, तो शंकर उठ जाते थे। इसलिए शंकर का नाम है द पिलो ऑफ गौरांगा, वो चैतन्य महाप्रभु के तकिया के जैसा बन गए। हालांकि शंकर थे उनके सिक्योरिटी के रूप में, फिर भी चैतन्य महाप्रभु इतने विरह में थे, बहुत बार गंभीरा छोड़ के निकल जाते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था कैसे जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पूरे लीला से हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हमको ये भाव के साथ भगवान को पुकारना है। हम भगवान को इमिटेट तो नहीं कर सकते, चैतन्य महाप्रभु को हम इमिटेट नहीं कर सकते, पर ये भाव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भिक्षुक के रूप में हमको ये कृष्ण प्रेम का धन मांगना है। कृष्ण प्रेम धन व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। ये कृष्ण प्रेम के धन के बिना हमारा जिंदगी व्यर्थ है, दरिद्रता है। हमको सही में धनी बनना है तो हमको ये शरीर के साथ जो आसक्ति है, ये दुनिया के साथ जो आसक्ति है, वो छोड़ के वृंदावन में प्रवेश करना है, वृंदावन के भाव में प्रवेश करना है, और गोपियों से और जो भगवान के महान भक्त से उनसे भिक्षा मांगना है कि कृपा करके ये कृष्ण प्रेम का धन दीजिए। हरे कृष्ण।